वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा प्रपन्न पारिजाताय तुलसीदेवी गोपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदिवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकलान्यौरीयुधाभात् ீத்தம்பராமேஸ்வரமுகாரவிந்த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 மேஸ்வரமுகாரவி
शास्त्रों में पढ़ी है, संतों से बातें सुनी है कि मानुष जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है और बड़ा श्रेष्ठ है। तो मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाए तो अपने को एक चीज तो बहुत बढ़िया मिल गई है,
अब इसका उपयोग ठीक तरह से करना है। बढ़िया चीज होती है उसका उपयोग अच्छा किया जाए तो लाभ बहुत होता है, उसका दुरुपयोग किया जाए तो नुकसान भी ज्यादा होता है। अच्छी चीज है ना, जमीन अच्छी होती है तो उसमें धान बोया जाए तो अच्छे पौधे होंगे, पर कांटों के भी कहीं बीज पड़ जाएगा तो कांटे भी अच्छे अच्छे होंगे, वो तो सबको बल देगा, जमीन तो बल देगी। इस तरह से मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो आप जो काम करोगे उसको ये बल देगा। तो वो बल अब कैसे मिले, तो एक बात की बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। भगवान की जो सृष्टि रचना है बड़ी विचित्र है, मात्र जीवों के कल्याण के लिए है, परंतु इसमें पता नहीं लगता कि उम्र कितनी है, इसका पता नहीं है। बालक जन्मते ही मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का 100 वर्षों तक जी सकता है, तो मृत्यु का कुछ भी ठिकाना नहीं है। इस वास्ते मनुष्य जन्म में आकर जो खास काम करना है वो पहले कर लेना चाहिए। भरवा भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूं, विज्ञान सहित ज्ञान कहता हूं। अब इस पर श्रद्धा न करने से, विश्वास न करने से, इसको ठीक ठीक काम न लाने से मनुष्य अपना उद्धार नहीं करता और वंचित रह जाता है। तो अप्राप्य भाव निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, मैंने ये बढ़िया बात कही तो उस बढ़िया के विषय में 8 बातें बताई भगवान ने, 8। राज विद्या, विद्याओं की राजा है, राजगुह्य गोपनीय रखी जाए उनमें भी राज विद्या राजगुह्य है, राज विद्या राजगुह्यम। तीसरी बात, बहुत पवित्र चीज है ये, इसके समान पवित्र कोई नहीं है। चौथी बात कि ये उत्तम है, श्रेष्ठ है। और पांचवी बात, इसका फल प्रत्यक्ष है। और छठी बात, ये धर्ममय है। और सातवीं बात, अविनाशी पद देने वाली है। और 8वीं बात, करने में बड़ी सुगम है। ऐसी 7 बातें जिसकी महिमा है वो करने में बहुत सुगम है, करतुं सुसुखम। ऐसी बात होने पर भी मनुष्य अपना उद्धार क्यों नहीं करता, तो कहते अश्रद्धा, विश्वास नहीं करता। इस पर विश्वास नहीं है, इसका विषय में बैठा नहीं भाव अपने प्रति ऐसा हो सकता है। उस अविश्वास के कारण से वे फिर मौत के मार्ग में पड़ जाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि मैं बताता हूँ उत्तम से उत्तम बात, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात, और वो करने में बड़ी सुगम है, संपूर्ण विद्याओं की राजा है, संपूर्ण गोपनीयों में राजा है, महान पवित्र है, धर्ममय है, और जिसका फल प्रत्यक्ष करके देखो तो प्रत्यक्ष उसका लाभ होता है, और अविनाशी है, उसकी प्राप्ति और विनाश नहीं हो रही, और करने में बड़ी सुगम है। ऐसी बात पर भी अगर वे विश्वास नहीं करते तो क्या करते हैं कि मौत के रास्ते में पड़ जाते हैं। मैं तो बताता हूँ सदा के लिए मौत मिट जाए, एक कविता आती है कि मौत निगोड़ी को मौत न आई, ये मौत को मौत नहीं आई, मौत नहीं मरी है, सब दुनिया मर गई परंतु मौत निगोड़ी को मौत न आई, ये नहीं मरी है।
तो इस मौत से बच जाए, मौत भी मर जाए अपने लिए, मौत मर गई फिर मौत नहीं आएगी हमारे पास कभी भी। तो ऐसी बात बताता हूँ, उस बात को छोड़कर फिर वे मौत के रास्ते में ही चले गए, पीछे मौत के रास्ते में आए थे, मृत्यु से जन्म जन्म ने मरने जन्म मरने मरे और फिर भी मौत के रास्ते मृत्यु संसार व्रत मरे। संसार का रास्ता जो मौत का है वो रास्ता ले लिया। तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि हम एक अच्छे पद पर आ गए हैं, अच्छा मौका मिल गया है, हम अपनी वास्तविक उन्नति कर सकते हैं, ऐसी उन्नति कर सकते हैं फिर कभी मरना ना पड़े। जातो ही को यस्य पुनर्जन्म, पुनर्जन्म न हो वो जन्मा, और मृतो ही को यस्य पुनर्मृत्यु, मरा कौन सी फिर मरे नहीं, सदा के लिए अमर हो जाए। तो ऐसी बात भगवान कहते हैं, मैं बताता हूँ वो बात अगर काम में लो तो आप कृतकृत हो जाओगे। मनुष्य के लिए तीन बात है, एक कृतकृत्य होना और एक ज्ञात ज्ञातव्य होना, मानो करने लायक बाकी न रहे और जानने लायक बाकी न रहे। और तीसरी बात है प्राप्त प्राप्तव्य, जो प्राप्त करना चाहिए वो भी बाकी न रहे, मिलना चाहिए वो पूरा मिल जाए, जानना चाहिए वो पूरा जान ले और करना चाहिए पूरा कर ले। तो करने में जानने में और पाने में कमी न रहे, ऐसा हो जाने से मनुष्य कृतकृत हो जाता है, उसका मानव जन्म सफल हो जाता है। और उस बात को भगवान कहते हैं, मैं बड़ी सुगमता से बताता हूँ, बड़ी सरलता से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब विश्वास नहीं करते उसका क्या किया जाए, अगर वे मान ले इस बात को तो बहुत लाभ होगा, ऐसे नौवें अध्याय में भगवान ने कहा। और फिर बताया कि मया तत्मिदं सर्वं जगद अभ्यक्तमूर्तिना, मेरे निराकार रूप से जगत सब व्याप्त है, सब जगत मेरे से व्याप्त है, तो मैं सब में परिपूर्ण व्याप हूं। मत्सानी सर्वभूतानी, और जितने प्राणी हैं वे सब सब मेरे में ही रहते हैं। और एक बात करे, दो बातें कही, अब दोनों बातों की विरुद्ध दो बात और कहते हैं। पहले तो मया तद मेरे से व्याप्त है संसार और मेरे में सबके सब स्थित है, फिर कहते हैं कि मैं इन संसार में नहीं हूं और मेरे में संसार नहीं है, ये बात कही। अब मैं सब में व्यापक हूं और मैं इनमें नहीं हूं, और सब संसार मेरे में है और मेरे में संसार नहीं है, तो ये क्या बात है। अब राज विद्या राज कहने के लिए ये आरंभ किया, तो मेरा स्वरूप संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला है, परंतु फिर भी मैं बंधा हुआ नहीं हूं। जैसे कुटुंबी अपने कुटुंब का पालन करता है परंतु कुटुंब में बंध जाता है, उनमें ममता कर देता फंस जाता है, तो मैं सबका भरण पोषण उत्पन्न करने वाला फिर भी इनमें फंसता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनमें बंधा हुआ नहीं हूँ। और मेरे में है तो संसार है, तो भगवान को छोड़कर कहाँ है, भगवान में ही है। तो परमात्मा निराकार रूप से परिपूर्ण व्यापक है, वे कहते हैं मैं सब में हूँ। तो जैसे ये प्रकाश सब जगह है, इस तरह से मेरा ज्ञान सब जगह में मौजूद हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रीति से सब जगह व्यापक है, परंतु प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं।
तो प्रेम होता है भीतर से प्रकट हो जाते हैं। प्रेम कैसे हो इस बात पर श्रद्धा करे, विश्वास करे कि सब जगह परमात्मा है, फिर प्रेम करने से वो प्रकट हो जाते हैं। पहले विश्वास ही नहीं करे तो क्या करे। तो विश्वास न करने की बात कही कि असतदाना पुरुषा, इस पर विश्वास न करने वाले महान बड़ा परम पद को प्राप्त होना था, वहां आकर के मौत के रास्ते में पड़ गए। रात दिन मरो जन्मो मरो इस जैसे अप्राप्य मांग निवर्तन से मृत्यु संसार वर्तमान। मेरी बात पर विश्वास न करने से मेरे को प्राप्त न हो करके और मौत के रास्ते में पड़ गए। तो मौत के रास्ते में तो संपूर्ण जीव पड़े हुए हैं। मनुष्य हो गई जन्म मरण में चला गया तो भाई उद्धार कब करेगा भाई, यही तो मौका है उद्धार करने का। तो इसमें कृतकृत्य हो जाना, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाना और ज्ञात ज्ञातव्य हो जाना खास बात है। क्यों, तीन शक्ति मनुष्य में है, एक करने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है और एक जानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति कहाँ जानी चाहिए, दुनिया का सेवा करने के लिए, मात्र दुनिया का हित करे अपनी शक्ति के अनुसार, जहाँ जिसको जैसा पद मिला है, जैसी योग्यता मिली है, जो सामग्री मिली है, समझ मिली है, उसके द्वारा सबका भला कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, कभी किसी को दुख न हो, ऐसा अपना भाव रखे। ऐसा भाव रखने से दुनिया सुखी हो जाएगी सब, ये कायदा नहीं है। उनके सामने जो आएंगे उनका वो भला कर लेगा, पर दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो करना उसके सामने आवे उनके लिए ही है, जिनका ज्ञान ही नहीं है, सामने नहीं है, उसके लिए जिम्मेवारी भी नहीं है। तो करना क्या है, उपकार, सेवा, भला, दूसरों का हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो। तो पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, आपकी जहां वश चलती है, आपकी जितनी योग्यता है, आप में जितना बल है, आप में जितनी बुद्धि है, आपके पास जितनी सामग्री है, उसके द्वारा दुनिया मात्र का हित हो, कोई भी कष्ट न उठावे, किसी भी कष्ट न हो, सबके सब सुखी हो जाए, ऐसा भाव रख कर सबके साथ बर्ताव करो, तो आप कृतकृत्य हो जाएंगे। अपने लिए करने वाला कृतकृत्य नहीं होता, कृतकृत्य होता है दुनिया मात्र का हित करने का, जिसके भाव होता है। तो दुनिया मात्र का हित करेगा, उसका हित स्वतः हो जाएगा स्वाभाविक ही, क्यों दुनिया से वो बाहर थोड़ा ही है, दुनिया मात्र के हित में अपना हित आ ही जाएगा, अपना हित बाकी नहीं रहेगा। और अपना ही केवल हित करेगा तो दुनिया का हित हमारे करने में नहीं आएगा। मात्र दुनिया का हित करता है तो अपना अहित करेगा क्या, हित करने की स्वभाव आदत है तो सबका हित करे तो अपना हित भी हो जाएगा। अगर केवल हमारा ही हित हो और ही परवाह नहीं तो उसका हित होगा नहीं, उस खुद का भी नहीं होगा। तो सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र के हित में करने में कृतकृत्य हो जाएगा, करना बाकी नहीं रहेगा। अपनी सब की सब शक्ति दुनिया मात्र के हित में लगा देगा तो करना बाकी नहीं रहेगा। ऐसे जानना, किसको जानना, स्वयं को, मैं क्या हूँ, इस बात को ठीक तरह से जानना है। वो जान लेने पर ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है और प्राप्त प्राप्त भी है, जो परमात्मा की प्राप्ति करनी, भगवान का दर्शन करना, भगवान के प्रेम करना, भगवान की कृपा प्राप्त करनी, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, ये होने से प्राप्त प्राप्तव्य होता है। इससे बढ़कर कोई प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अब परमात्मा को प्राप्त करना बाकी नहीं रहा, तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यो मामेव मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारतम्।
जो मेरे को सर्वोपरि जानता है वो मेरा भजन करेगा। जैसे रुपयों को जानता है कि इसे सब चीजें आती है, तो स्वाभाविक रुपया कमाने की उसी चेष्टा होती है, क्योंकि सब चीजें रुपयों से आती है। ऐसे मेरे को सर्वोपरि मानेगा, वो मेरे भजन में तत्परता से लग जाएगा, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा। अब प्राप्त करना कुछ भी बाकी नहीं, तो करना समाप्त होता है सेवा करने से, जानना समाप्त होता है अपने को जानने से, और प्राप्त करना समाप्त होता है परमात्मा की प्राप्ति कर ले, उसका साक्षात कर ले, दर्शन कर ले, प्रेम प्राप्त कर ले, तो प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, तो मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। अब उसके लिए कोई करना जानना पाना बाकी नहीं रहता, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो सज्जनों, मानव जन्म प्राप्त हुआ है, आप हम सब अब मनुष्य बने बैठे हैं, भाई हो चाहे बहना हो, भाई भी उसी पद पर है, बहना भी उसी पद पर है। कई संप्रदाय ऐसा भी मानते हैं कि पुरुषों को ही अधिकार है, स्त्रियों को अधिकार नहीं। हमारा तो यहाँ पुरुषों का स्त्रियों का सबका अधिकार है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में, कल्याण करने में, अपनी मुक्ति करने में, भाई बहन सबके सब स्वतंत्र है। अगर कुछ फर्क है तो ये है कि बहनों माताओं के लिए सुगम बताया गया है, पुरुषों की अपेक्षा इनको जल्दी परमात्मा प्राप्ति होती है। ऐसे चार वर्णों में शूद्र वर्ण का जल्दी कल्याण होता है, ऐसे चार युगों में कलयुग में जल्दी कल्याण होता है। एक बार ऋषियों के आपस में बात हुई, उसमें भाई क्या सबसे बड़ा कौन सा है, ऐसे ऋषि गए तो वेदव्यास जी महाराज के पास पहुंचे कि महाराज हम आए हैं, तुम बैठो, मैं गंगा जी में स्नान करूं, फिर बात करेंगे आपसे। बैठा दिया, गंगा जी में डुबकी लगाई तो डुबकी लगाकर बोले कि कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग कलयुग की महिमा करे, धन्यवाद दिया। ऐसे ही शूद्र तुम धन्य हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण, जिसमें उनको धन्यवाद दिया, और स्त्री और पुरुषों में स्त्रियों तुम धन्य हो, इन तीन को धन्यवाद दिया, कलयुग को और शूद्रों को और स्त्रियों को। तो ऋषि मुनि तो पूछने को आए ही थे, अब ये बात उनसे सुनी, आकर बैठे तो पूछा कि महाराज आपने कलयुग को धन्यवाद दिया, शूद्रों को धन्यवाद दिया, स्त्रियों को धन्यवाद दिया, क्या बात। तो वेदव्यास जी महाराज ने उत्तर दिया कि मनुष्य का कल्याण कलयुग में जितना जल्दी होता है, इतना सतयुग से तात द्वापर में नहीं होता, जल्दी कल्याण होता है कलयुग में। तो महिमा तो जिसमें लाभ ज्यादा उसी की महिमा है, और शूद्रों को धन्यवाद इस वास्ते दिया कि उनका कल्याण जल्दी होता है, छोटे होते हैं उसमें अभिमान नहीं होता, और अभिमान है बाधक, वो उनमें नहीं होता, तो उनका कल्याण बहुत जल्दी होता है। ऐसे स्त्रियां और पुरुष दो है, तो स्त्रियां सेवा करने वाली होती है, इनके लिए कई युग अधिकार बताया है। पार्वती ने खुद ने कहा मैं तो स्त्री हूँ महाराज, अनधिकारिणी हूँ, मेरे पर आप कृपा करो, बात बताओ, शंकर से पूछा है। तो वे अपने को छोटी मानती है, तो उनका कल्याण बहुत जल्दी होता है, घर वालों का सबका पालन पोषण करे। स्त्री होती है पतिव्रता, स्त्री का लक्षण लिखा है कि भोज्येषु माता, भोजन कराने के समय माँ के समान होती है, पति को भी भोजन कराओ तो माँ के समान, देवर जेठ सास ससुर छोटे बड़े सब, उनको भोजन कराना है तो माँ की तरह भोजन कराओ, भोज्येषु माता, पतिव्रता स्त्री का लक्षण बताया है। तो उनकी सेवा करना, सुख पहुंचाना, सब घर वाले सुखी हो जाए, काम धंधा मैं करूं और आराम सबको मिले, तो ऐसे करके बहनों माताएं अपना कल्याण बहुत सुगमता से कर लेती है। जो मनुष्य सेवा करता है, जैसे 1000 आदमी 2000 आदमी है समझो, 2000 आदमी में समझो अपना कल्याण करते हैं सभी,
पर एक आदमी ऐसा है जो कल्याण करने वालों को बैठाता है, जल पाता है, किसी तरह से कोई विघ्न न हो, कुत्ता आदि भीतर न आवे, हल्ला न मचे, ये सुख से सुन सके, ऐसा प्रबंध करता है भोजन का, जल का, बैठने का और सुनने का प्रबंध करता है, वो आदमी तो कर्म में लगा हुआ है। सत्संग इतनी बढ़िया नहीं सुनता जितना सुनने वाले सुनते हैं, परंतु सुनने वालों से अगर वो सुनने वालों की रक्षा, भोजन, जल, बैठना, सुनना इसमें प्रबंध करता है, एक एक पैसा भी मिलेगा, मानो सोना सोलह आना लाभ लेंगे सब सुनने वाले, अब और प्रबंध करने वालों को तो मिलना चाहिए ना। एक एक वर्ष पास हो 2000 आदमियों में 2000 पैसे होंगे, और विशेष लाभ कौन रहा, उसके एक रुपये में कम हो गई 20 रुपये हो जाएंगे, तो सेवा वाला बहुत ज्यादा लाभ लेता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है, उसको लाभ बहुत ज्यादा होता है, कारण कि सबकी सेवा करता है, तो भाई मजदूरी करता है तो उसको मजदूरी मिलती है, तो सेवा करने वाले को नहीं मिलेगी, ये कोई कायदा है, मिलेगी, तो सेवक बड़े लाभ में रहता है। तो बहनों माताएं जल्दी कल्याण कर सकती है अपना, क्योंकि इनके हाथों में खास अन्न जल है, साधु संत को दो, भिखारी को दो, घर वालों को भोजन कराओ, इनके हाथ में अन्न है, ये अन्नपूर्णा माँ है, तो सबकी पूर्ति करती है, तो ये अगर अपना कल्याण करना चाहे, भाव रखे भी सब सुखी हो जाए, सब आराम करें, सबको आनंद हो जाए, सब भगवत भक्त बन जाए, किसी को कभी किस्त न हो, ऐसा विचार कर करें तो स्त्रियां बहुत कर सकती है काम। भाव बदल दिया जाए, अपने स्वार्थ का भाव त्याग करके सर्वभूत हिते रथा प्राणी मात्र के हित में वाले जाए, तो इनका कल्याण जल्दी होता है और सुगमता से होता है। मनुष्यों को संध्या, गायत्री, जप, तप, अध्ययन बहुत करना पड़ता है, और इसके तो एक ही धर्म, एक व्रत नेवा, काय वचन पन पति पद प्रेमा, एक पति की परायण होना, और संसार में जितने अपने कुटुंबी है उनको सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, ऐसे भाव से आचरण करती है, इसका कल्याण जल्दी होता है। तो धन्यवाद दिया कलजू को, धन्यवाद दिया शूद्रों को, धन्यवाद दिया बहनों माताओं को, क्योंकि इनका कल्याण जल्दी होता है और सुगमता से हो जाता है। तो महिमा तो उसी की है जिसका बड़ा पद जल्दी मिल जाए, सुगमता से मिल जाए, तो बहनों माताओं को बड़ी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति होती है। केवल भाव ये बदले कि कष्ट सुख मैं पाऊं, सुख सब हो, सबको आराम मिले। मौका है सज्जनों, मौका, समय चूक ही पूरी का पछताने, समय पर चूक जाए फिर पछताताप होने से क्या फायदा, फिर पछताताप नहीं करना चाहिए, अगर सावधान होना चाहिए, अब हमारा समय खराब न चला जाए, हमारे से गलती कोई हो गई तो उसका सावधान हो जाओ, अब कोई गलती न हो जाए, तो गलती से भी शिक्षा लेनी है, मनुष्य जन्म में शिक्षा लेनी है, तो सबका हित करना है, तो मनुष्य मात्र प्राणियों का हित करने के लिए मनुष्य बनाया गया है, ये सेवा कर सकता है सबकी, ऐसे दूसरे प्राणी सेवा नहीं कर सकते। तो और मनुष्यों में भी जो शूद्र है, नीचे वर्ण का माना जाता है, अगर वो सबकी सेवा करे तो सबसे ऊंचा हो जाता है। सेवा करने में जितना नीचा काम करता है उतना ही वो दर्जा उसका ऊंचा होता है, जितनी सेवा करता है तत्परता से, तो सेवा में नीचा होता है वही ऊंचा होता है, वास्तव में श्रेष्ठ होता है। तो सबकी सेवा कैसे बने, सबको आराम कैसे बने, ऐसे जिसके मन में है, तो पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहीं, दूसरा का हित जिसके मन में निवास करता है, सबका हित, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, भगवान भी दुर्लभ नहीं है। तो सबके हित की बात सोचो, अपने क्षेत्र में जितना जितना जहां करते हो
तो वहां सबके हेतु सोच ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रहता। भगवान सगुण कृष्ण भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होते मैं मेरे को प्राप्त होते हैं। और लभन से ब्रह्म निर्माणम ऋषि अक्षीण कर्म सा सच्चिदानंद घन परमात्मा परिपूर्ण व्यापक निराकार निर्गुण है, उसको प्राप्त करना चाहे तो सर्वभूत हित रसा प्राणी मात्र के हित में रस करने वाले ब्रह्म निर्वाण निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो संपूर्ण प्राणियों का हित कैसे हो इसमें लगाव है, अपने लिए नहीं सबके हित के लिए। उसमें अपना भी आ गया हित, अरे भाई जो सदावर्त के लिए रसोई बनाता है सबको भोजन कराता है तो क्या वो भूखा रहेगा? अरे भूखा रह जाए तो आनंद की बात है, भूखा रहने में आनंद है। सबको भोजन करने पर भूखा रह जाए उसका बड़ा भाई महात्म है, कितना त्याग है। आप भूखा रह गए भोजन कराता है, अरे मैं भूखा रहता नहीं, सबको भोजन करता है, सबकी बचा रहे, सबकी धारणा हो गई इसको भोजन कराना तो भूखे कैसे रहेगा? फिर सबका हित करता है, उसका हित बाकी कैसे रहेगा? सब लोग उसका हित चाहेंगे, इसका हित कैसे हो, इसका हित कैसे हो, स्वाभाविक बात है। तो ये तीन बातें करने से मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। और सज्जनों वो मौका जा रहा है, जो समय बीत रहा है क्यों मौत नजीक आ रही है। आप और हम यहाँ आकर बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी आज उम्र अब किसी की नहीं है। जितना समय यहाँ बैठे हुआ है आधा घंटा घंटा, तो घंटा पर समय अपना बीत चुका है, मौत घंटा पर नजीक आ गई है, दूर सी वो नजीक आ रही है, प्रत्येक श्वास में मौत नजीक आ रही है। अच्छा काम कब करोगे फिर? ये अभी मौका है। तूल्यम यते इतना पते जन मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी निश्चय ऐसा कल्याण के लिए जल्दी उद्धार करने के काम करना चाहिए। तो वो उद्धार किससे होता है? ये जो लोग बैठे हैं ना, इनकी सेवा से, इनको सुख पहुंचाने से, इनका हित चाहने से स्वाभाविक हृदय उदार होता है और भगवान पर असर पड़ता है। ध्यान दे सुनना, भगवान देखते हैं कि इसकी सामर्थ्य नहीं है, थोड़ी सी सामर्थ्य, थोड़ी बुद्धि, थोड़ी सामग्री है, इसमें भी ये हित चाहता है तो ये शिक्षा मेरे को लेनी चाहिए। मेरे पास समय समय बहुत है, मेरे पास में सामग्री बहुत है, मेरे पास समय समय भी बहुत है, तो सबका हित करें। तो भगवान के मन में भी हित करने की आती है। अब ये सबका हित करता है तो इसका हित मैं करूँ, भगवान करेंगे उसका। थोड़ी शक्ति वाला भी सबका हित चाहता है तो ऐसा पात्र कहाँ मिलेगा? उसका भगवान हित करेंगे। इस वास्ते इनकी महिमा अधिक है। कलयुग में लोग स्वार्थ परायण ज्यादा होंगे, अपना मतलब करने के लिए ज्यादा लगेंगे, दूसरे के हित की परवाह नहीं करेंगे। कलयुग है, स्वार्थ परायण होते हैं। तो ऐसे स्वार्थ समय में जो हित करता है, सेवा करता है, उसका माध्यम बहुत ज्यादा। सभी सेवा करने वाले हो तो सेवा मदद बढ़ जाती, पाती नहीं आती। अरे अब कोई भी सेवा करता, अपने सेवा करो तो सब लोग सेवा देने को तैयार। तो अभी मौका है सेवा करने का, सुख पहुंचाने का, हित करने का, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, अधिकार से, योग्यता से, सब तरह से सबका हित करना है। तो सबके हित करने की चेष्टा है, भाव है, ये कल्याण का भाव। इस वास्ते स्त्रियों तुम धन्य हो और शूद्रों तुम धन्य हो और कलयुग धन्य है, क्यों कलयुग में ऐसा मौका मिलता है। आज इस समय में धर्म पालन वाले आदमी कम रह गए, तो कम रह गए तो थोड़े आदमियों को धर्म पूरा मिलेगा। महाभारत में नारायण ने से चलाया, नारायण स्रोत ब्रह्मपुत्र स्रोत है और ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अस्त्र है तीनों। तो ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र छोड़ के उसे नार कर लो,
और नारायण से के सामने नतमस्तक हो जाओ, नमस्कार कर लो। और पाशुपतास्त्र चलता है शंकर का तो वो तो खत्म कर ही देता है। तो अश्वत्थामा ने नारायण से चलाया तो भगवान ने कह रहे सबके सब बस नमस्कार कर लो। नमस्कार करने वाले को नारायण मारते नहीं कभी। तो भीमसेन ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, हम नम थोड़ेंगे, हम तो रहेंगे ऐसे। तो भगवान ने कहा अरे ये भी पीस डालेगा, नारायण अस्त्र है, मर जाएगा ये। तो कूदे अपने रथ से जाकर भीमसेन को पकड़ कर नार नीचे कर दिया। अब ये कोई शरणागत तो होता है, पर भगवान को नेक चार करना है, बचाना है उनको। तो बच गए। कहा कि ये दूसरे सब नतमस्तक हो गए, एक अकरा रहा था, तो उस नारायण अस्त्र की पूरी शक्ति उसके नाश में लगेगी, तो देरी क्या लगेगी, भस्म हो जाएगा। इस वास्ते भगवान ने नारायण कर दिया। तो ये कलयुग में धर्मात्माओं का कल्याण हो तो जो अपने स्वार्थ का त्याग कर समूह का हित करता है, तो हित करने की सब शक्ति उस पर आवेगी। हित करने ज्यादा हो तो हित करने में पांती ही आएगी। आज हित करने वाले थोड़े हैं तो थोड़ों के पांती आएगी। वो तो अपने जिस पद पर आप नियुक्त हो, जो अधिकार आपको प्राप्त है, उस अधिकार के अनुसार सबका हित करो। मौका है मेरा, ये तो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो हाथ की बात नहीं है। तो मिल जाए तो फिर उसके द्वारा हित करो। बल आपके पास में तो बल के द्वारा हित करो। पद आपके अधिकार ऊंचा तो अधिकार के द्वारा हित करो। धन है तो धन के द्वारा हित करो। विद्या है तो विद्या के द्वारा सेवा करो। जो आपको योग्यता मिली है उस योग्यता से सबका हित करो। तो मनुष्य मात्र की हित की बात करना, ये मनुष्य का खास धर्म है। सबके हित में रति रहे, प्रीति रहे, तो उसके द्वारा बहुत भला होता है। तो उसका कल्याण होता ही है, नियम है। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रथ। आप कितनी सेवा कर सकते हैं उसका मापदंड नहीं है। धन ज्यादा होगा, विद्या ज्यादा होगा, अधिकार ज्यादा होगा तो ज्यादा आदमियों की सेवा कर सकेगा। पर जिसका अधिकार ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, धन नहीं है, तो अपनी शक्ति से वो हित करता है तो उसका फल कम नहीं होगा। शक्ति जी के पास भी जितनी उतनी लगा दे और क्या करे बताओ। उसकी नीयत है ऐसी कि सबका हित हो। अब करेगा कितना, जितना वो कर सकेगा, नहीं कर सकेगा तो उनकी वो जिम्मेवारी नहीं है। तो उसका कल्याण बड़ा सुगम से ऐसे होगा। तो सबकी सेवा करने से उनका थोड़ा थोड़ा अंश भी मिलेगा तो भी कितना हो जाएगा। जैसे मैंने 2000 आदमी है तो 2000 आदमियों की प्रबंध करने वाला करे तो उनका पैसा, एक एक पैसा भी अगर प्राप्त होगा, आधा आधा पैसा भी प्राप्त हो तो कितना हो जाएगा। यार सेवा करने वाला कभी खाली नहीं रहता, उसको तो लाभ होता ही है, इसमें संदेह ही नहीं है। इस वास्ते मनुष्य शरीर मिला है तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब आराम से कैसे रहे, सबकी महिमा कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सब सुख पूर्वक कैसे रहे, ऐसे काम करो। बहनों माताएं जैसे सबको भोजन कैसे मिले, अच्छी से अच्छी चीज सबको कैसे मिले, ऐसा विचार रखती है बहना तो उनका हित होता ही है। उनकी नियति हित करने की है, सबको सुखी करने की है। कलयुग का खुद का हित करने का विचार नहीं है, परंतु हित करने वाले कम होते हैं। तो नारायण की शक्ति एक पर आई, जो हित करने वाले पर सब शक्ति आवेगी कलयुग में। कितनी बात है, कितनी सुगमता से कल्याण हो जाएगा। तो सर्वभूत हित रसा अपने को बनाना है। तो मौका है भाई कलयुग का, इस मौके में अगर कोई लाभ उठाना चाहे तो सबका हित करके, सबकी सेवा करके कर सकता है। तो अपने स्वार्थ का त्याग करे दूसरों के हित के लिए। ऐसे स्वार्थ त्याग की उपर नहीं है, हित हो जाए दूसरों का तो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित करे, ये करने में सबसे आगाड़ी हो जाएगा। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 22 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीना से चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।